हरियाणा में आने वाला साल चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस सत्ता वापसी की हर संभव कोशिश में पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि पार्टी को मजबूत बनाया जाए। इसी कड़ी में करनाल की पंजाबी धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की रविवार देर शाम मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पहुंचे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, शमशेर सिंह गोगी, अशोक अरोड़ा भी पहुंचे। दीपक बावरिया की ये मीटिंग आगामी चुनावों को लेकर थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उनकी बात को सुना और राजनीति के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए गुण दिए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इस पर उन्होंने कहा, आज की जो मीटिंग रखी गई है पंजाबी समाज के साथ एक वार्तालाप के लिए रखी गई है और हमारा तो कर्तव्य है कि राज्य में 36 बिरादरी की सरकार बने, उनकी जो भावनाओं को समझे और उनके प्रश्न को भी समझे और साथ साथ कांग्रेस पार्टी उनसे क्या उम्मीद रखती है वो भी उनके साथ शेयर। बाजी जो है आप जिसको गुटबाजी कहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो वर्करों का एंथुजियाज्म है और जब एक परिवर्तन आने की संकेत जब मिलते हैं तो वो एंथुजियाज्म बहुत बढ़ जाता है, तो वो तरीके से वो चलते हैं और ऑटोमेटिक जो है शांत भी हो जाते हैं जब चुनाव नजदीक का जो है। अभी तो उन्होंने सुना कि कांग्रेस पार्टी संगठित हो रही है तो उन्होंने अध्यक्ष बदल दिया, तो आने वाले दिनों में आप समझो कि कांग्रेस का संगठन पूर्णतया तैयार हो गया तो शायद सीएम भी बदल। सूबे में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर है। सभी दलों में बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस इन दिनों संगठन गठन की कोशिशों में जमकर जुटी हुई नजर आ रही है। प्रदेश में कांग्रेस की बतौर प्रभारी कमान संभाल रहे दीपक बावरिया पार्टी को कितना आगे ले जा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। करनाल से हिमांशु नारंग, सूर्या समाचार।